ओम शांति। हम जन्म जन्म बाबा से मुक्ति का वरदान चाहते आए हैं, अब भगवान ने आकर हमें मुक्त बना दिया है। हम जब दुखों से मुक्त हो जाएंगे तो सारा संसार दुखों से मुक्त हो जाएगा। हमारा व्यर्थ से मुक्त होना, माना संसार में सुख शांति की लहर फैलाना। हमारा अपवित्रता से मुक्त होना, माना प्रकृति को पावन बना देना। तो हम स्वयं को मुक्त आत्मा बनाएं। हमें अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल करना है। हम मुक्ति वर्ष मनाने जा रहे हैं तो कर्म इंद्रियों को भी विभिन्न अग्नियों से शीतल करें, क्योंकि हमें तो संसार में तपती हुई आत्माओं को शीतल करना है। संसार में मनुष्य आत्माएं विकारों की अग्नि में तप रही हैं, जल रही हैं। कोई काम की अग्नि में भस्म हुआ जा रहा है, किसी को क्रोध की अग्नि जलाकर नष्ट कर रही है, किसी के अंदर अभिमान की आग प्रज्वलित है जो उसे सुख शांति का अनुभव नहीं करने देती है। हमें तो शीतल बनना है, जैसे बाबा ने आकर हमारे ऊपर शीतल ज्ञान जल के छींके छिड़के हैं और हमारे चित्त को शीतल किया है, हमारे विकारों को शांत कर दिया है, हमें अचल अडोल बना दिया है। वैसे ही हमें भी स्वयं को भी शीतल करना है और सबको भी शीतल करना है। तो पहले शीतल करेंगे अपनी क्रोध की ज्वाला को, शांत करें, अपनी भावनाओं को शुद्ध करें। बहुत जरूरी है डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड्स, अलग अलग भावनाएं हमने दूसरों के लिए बना ली हैं। ये बहुत खराब हैं, ये जाति और संप्रदाय वाले लोग बड़े क्रूअल हैं, बड़े हिंसक हैं, ये किसी को सुख नहीं देते, ये सबको तंग करने वाले हैं, ये फलाना व्यक्ति बड़ा पापी है, इसमें ये विकार भरे पड़े हैं। परंतु हमें आत्मिक दृष्टि, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरों के लिए चित्त में सद्भावना धारण करनी है और सभी को क्षमादान देना है। तब हमारा चित्त शीतल होता जाएगा, हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएंगी। जैसे शिव बाबा ने जब ब्रह्मा तन में प्रवेश किया तो पहले दिन उनकी भ्रकुटी में बैठकर अपनी पवित्र किरणें उनके पूरे शरीर में फैला दी और उनके अंग अंग को शीतल कर दिया। हम भी दो अभ्यास करें, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ और मुझसे पवित्रता की सफेद किरणें मेरे ब्रेन को जा रही हैं, मेरे पूरे देह में फैल रही हैं और अंग अंग को शीतल कर रही हैं। दूसरा अभ्यास करेंगे, बाबा से पवित्र किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं और फैल रही हैं पूरी देह में, अंग अंग शीतल हो रहा है। एक एक मिनट ये अभ्यास करेंगे आज कम से कम 10 बार और चेक करेंगे मेरी अग्नि शांत होती जा रही है, क्रोध शांत हो रहा है, या दूसरों को देखकर मेरे मन में क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है, मुझे क्रोध करने की आदत ही तो नहीं पड़ गई है, कहीं मेरे अंदर सारा दिन इरिटेशन तो नहीं रहने लगा है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारी आंतरिक शक्तियां भी नष्ट होती हैं, हमारी आंतरिक शांति भी नष्ट होती है,
प्रेम का अभाव हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपनी क्रोध की अग्नि को शीतल कर दें। रोज सवेरे उठकर याद दिलाया करें, मैं आत्मा शांत हूँ, मेरा चित्त शांत है, मेरे दिल में सभी के लिए प्रेम है, ये सभी हमारे अपने हैं, मुझे तो सभी को शांति का दान देना है। ओम शांति।